सो गाइस अभी तक हमने देखा था कि ये नोबड़ा बच्चे को ही टांग के आ गया गेम खेलने के लिए, और अब तो रास्ते में जो भी मिल रहा था उसकी बहुत जोर से हंसी उड़ा रहा था और बोल रहा था कि अबे नोबड़े बैग नहीं मिला क्या तेरे को, और ये बच्चा कहाँ कम था, कारनामा ये कर रहा था और फल एडम भुगत रहा था बेचारा। उसी टाइम पे लड़की बोलती है कि चला जा नोबड़ी के वरना ऐसी झापड़ दूंगी कि यहीं से लॉबी में चला जाएगा। और अब तो सारे नोबड़े गेम खेलने के लिए प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं, परंतु प्लेन में से उसी टाइम पे वो लैंडिंग कर देते हैं, और लैंडिंग करने के बाद उनको पता चलता है कि भाई पैराशूट तो लाया ही नहीं मैं। और अब तो बेचारे एडम की हड्डी पसली होगी, और तभी वो सोचता है कि साला ये बेबी है या फिर डायनासोर। और अब तो ये दोनों नुबड़े भागते हुए घर के अंदर आ जाते हैं, और तभी एडम गुस्से से उसके बेबी से बोलता है कि नुबड़े एक कोने में जाकर बैठ जा, साला जहाँ भी जा रहा मार ही मार पड़वा रहा। और ये नुबड़ा कौन सा कम था, कुछ देर ड्रामा कर लिया और फिर सोचता है कि इस चिमकांडी को तो मजा चगा कर ही रहूंगा। इससे पहले इंडिया से प्यार करते हो तो लाइक करोगे, पाकिस्तान से प्यार करते हो तो कमेंट करोगे, देखते हैं किससे ज्यादा प्यार करते हो। और उसी टाइम पे कहानी में ट्विस्ट आता है, कहीं से बेहरा हुआ पर्पल क्रिमिनल वहां पर आ जाता है, उससे बोलता है कि वहां पर देख वहां मेरा बाप है, वहां पर जा और उसको बहुत मार साले को।